रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, अरहत देव परमागम गुरु को, अरहत देव परमागम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। इस दुनिया में अद्भुत लोग हुए हैं, उनके जीवन चरित्र को हम पढ़ते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं, उसको अपना आदर्श बनाते हैं, तो हम भी जीवन के हर मोड़ पर एक नई जीवनी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, नया सोच डेवलपमेंट कर सकते हैं, नए तरीके से उस काम को संपन्न कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का चरित्र जरूर सुनना और पढ़ना चाहिए। उदाहरण के तौर पर बिल्मा रुडोल्फ, ये बिल्मा जो रुडोल्फ हुई है जिसकी कहानी सुना रहा हूं मैं, टेनेसेस के एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। 4 साल की उम्र में बिल्मा रुडोल्फ डबल निमोनिया के बीमारी से ग्रसित हुई, उसे काला बुखार हो गया। उस भयंकर बीमारी के कारण से उसको पोलिया हो गया, पोलियो, उसका पैर डैमेज हो गया, पोलियो के शिकार हो गई। पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस पहना करती थी, वो ब्रेस के बिना चल नहीं सकती थी। बच्ची थी, इलाज वगैरह बहुत हुआ, लेकिन डॉक्टर ने तो जवाब ही दे दिया, और वो तो कहते थे ये जिंदगी भर चल नहीं फिर सकेगी, न चल सकेगी न घूम सकेगी, इसके लिए चलना फिरना असंभव। कैसी विपत्तियां जीवन में आती हैं, बचपन में उसके साथ ऐसा हुआ। बिल्मा की जो माँ थी वो बड़ी हिम्मत वाली थी, उसको अपने बच्चे से बड़ा प्रेम था। उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने जब जब भी मौका मिला, जब जब भी ऐसे चांस आए, तो बिल्मा रुडोल्फ की उसने हिम्मत बढ़ाई। उन्हें कहा ईश्वर में विश्वास रखो, मेहनत करो, लगन से परिश्रम करो, और ये कोई भी कर सकता है। मेहनत और लगन से परिश्रम तो कोई भी कर सकता है, तुम भी वही महान ईश्वरी की संतान जिसने सारी दुनिया को बनाया, सारी दुनिया के लोग बनाए, उसकी संतान तो है तुम। अगर
हम अपने उस आराध्य को याद करके विश्वास के साथ अगर कुछ भी करने की हमारी आंतरिक इच्छा हो, उसको करने का संकल्प करें, तो हम जीवन में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि जिस परमात्मा ने हमारे को जन्म दिया है, जीवन दिया है, तो वो हमारे प्रयत्न को हर हालात के अंदर सफल कर सकता है। अपने माँ के समय समय पर इस प्रकार के मोटिवेशन को पा करके बेलमा के मन में दुनिया की सबसे तेज धाविका बनने की इच्छा पैदा हुई कि मैं दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली धाविका बनूं। उसकी इच्छा को उसके माँ ने कहा, भैया कोई कठिन काम थोड़ी, मनुष्य जो भी करना चाहे, बनना चाहे, हो सकता है, बस लगन चाहिए, मेहनत चाहिए। विल्मा रुडोल्फ 9 साल की उम्र में जिस समय पहुंची, डॉक्टरों के हजार बार मना करने के बावजूद, उसको डराने के बावजूद, उसका मनोबल ठंडा करने के बावजूद, उसने पैरों में पहना हुआ ब्रेस उतार करके फेंक दिया और बिना ब्रेस के अपना कदम धरती के ऊपर रखा। उस समय वो 9 साल की थी, जबकि उसके डॉक्टर कहते थे ये कभी चल फिर नहीं सकती, लेकिन जैसे तैसे चलना शुरू किया उसने, प्रयत्न किया, आगे बढ़ी। थोड़ा थोड़ा भी जो अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट हुआ, उसको उसने बहुत बड़ा सहारा उसने बनाया, बड़ी आशाएं उसके साथ जोड़ती चली गई। और 13 साल की उम्र में उसने पहली बार दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लिया। 9 साल में तो उसने बिना ब्रेस के चलना शुरू किया था और 13 साल की उम्र में दौड़ प्रतियोगिता में उसने भाग लिया। और स्वाभाविक था, वो सबसे पीछे रही, हिम्मत नहीं आ रही, उनके प्रतियोगिता में तो भाग लिया, उनके साथ में दौड़ी तो हूं, फिर दौड़ूंगी। उसने दूसरी बार भी और ज्यादा जोश के साथ भाग लिया, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट उसमें भी हुआ, उसकी आशा और आगे बढ़ी। तीसरी बार भी उसने भाग लिया, हिम्मत नहीं आ रहा उसने, और चौथी बार भी उसने दौड़ में भाग लिया, किसी में उसको कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन उसका हौसला जरूर बढ़ा। वो सोचने लगी इतना दौड़ सकती हूँ, कुछ कदम ज्यादा हमने बढ़ाए हैं तो आगे मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। जब जब प्रतियोगिताएं हुई, जब जब दौड़ की प्रतियोगिता कहीं पर हुई, उसने हिस्सा लेती रही, वो पीछे नहीं हटी, निराश नहीं हुई, उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। और उसके साथ उसकी माँ थी, वो कहती बेटा जितना तो इस समय करती है, ऐसे कल्पना करती थी क्या पहले? हम तो कल्पना भी नहीं करते थे जितना कुछ तूने किया। जब उस अवस्था से तू यहां तक पहुंची है तो आगे भी हर सफलता को प्राप्त कर सकती है। हर प्रतियोगिता में आखिरी स्थान पर रहने पर भी न तो उसने हौसला को तोड़ा, न उसने माँ ने उसको हौसला तोड़ना हौसला को टूटने दिया, उसने भी उसको बराबर आगे बढ़ाया। वो कोशिश करती रही, एक बार किसी प्रतियोगिता के अंदर फर्स्ट आ गई, बस उसको तो अपरंपार खुशी।
बड़ी प्रसन्नता हुई। किसी प्रतियोगिता में मैं दौड़ में फर्स्ट तो आई, पंद्रह साल की उम्र में बिलमा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में गई, एड टेम्पल बड़े अच्छे कोच थे। किसी ने उसको कहा था अगर एड टेम्पल तुम्हें सिखाने के तुम्हारे को कोच बनेंगे, अगर तुम्हारे को सिखाएंगे तो तुम कामयाब हो सकती हो। तो उसने बड़ा प्रयत्न करके टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई और एड स्टेम्पल से वो मिली। उसने अपनी ख्वाहिश अपनी भावना उनके सामने प्रस्तुत की, उसने अपना उत्साह जताया। उसने कहा मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूं। एड टेम्पल उसकी तरफ देखते रहे, उसके हौसले को देखा, उसके जज्बात को देखा, और जो बोलती है हृदय की गहराई से अंतर मन से उसके संकल्प को सुनकर के वो बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से कोई भी ताकत तुम्हारे को ये कामयाबी से रोक नहीं सकता, और जहां तक संभव होगा जहां तक बनेगा मैं तुम्हारा मदद करता रहूंगा, तुम आगे बढ़ो। तुमने एक बार निश्चय कर लिया है, सोच लिया है, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। बिल्मा रुडोल्फ को बड़ा भारी सहारा मिला और उत्साह उसका इतना बढ़ा, उसने एक विश्वास लेकर के आगे बढ़ी। और उसने जो जीवन में मेहनत की, परिश्रम की, और एक के बाद अनेक कामयाबियों को प्राप्त किया, तो ये बतलाइए आखिर के अंदर बिल्मा रुडोल्फ को ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने का मौका मिल गया। ओलंपिक खेल में, जो संसार भर के सबसे बड़े खेल है, उसमें हिस्सा लेने का उसको मौका मिला। और ओलंपिक में दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले लोग वहां पर शरीक होते हैं, वो लोग वहां पर पहुंचते हैं, उन लोगों के बीच में जाने का मौका मिला, उन लोगों के साथ जो दुनिया के सबसे तेज धावक हैं उनके साथ दौड़ने का मौका मिला। सफलता हो या न हो, लेकिन वहां तक पहुंचने की खुशी, उसको इतनी बड़ी खुशी थी। और उस ओलंपिक में बिल्मा का मुकाबला जुत्ता हैंड से, और सबसे अधिक दौड़ने वाला दुनिया का सबसे तेज धावक जुत्ता हैंड उसके साथ उसका मुकाबला था। अब कौन समझता था कि इतने बचपन में जो पोलियो से ग्रस्त हुई थी लड़की, डॉक्टर लोग मना करते थे चल फिर नहीं सकती, वो लड़की ओलंपिक खेल में दौड़ के लिए पहुंचेगी। इंसान का हौसला और इंसान का प्रयत्न इंसान को कितनी ऊंचाई तक लेके जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण है बिल्मा रुडोल्फ। रुडोल्फ की ओलंपिक में पहली दौड़ 100 मीटर की थी, और इसमें बिल्मा ने जुत्ता को हरा करके पहला गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया। और जुत्ता है तो कभी सोच ही नहीं सकता कोई मेरे को हरा सकता है। और उसकी दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी, उसमें भी जुत्ता हैंड से ही उसको लड़ना था, उसके साथ ही दौड़ना था। बिल्मा ने
जूता को दूसरी बार भी आता और दूसरा गोल्ड मेडल भी उसने जीत लिया। तीसरी जो दौड़ थी वो 400 मीटर की थी, रिले रेस थी, वो 400 मीटर की रिले रेस थी। और बिल में रुडोल्फ का जो मुकाबला था फिर जूता से ही था। और इस रिले रेस में तो बड़े जबरदस्त जो दौड़ने वाले ही उसके अंदर भाग ले सकते हैं, तेज एथलीट होते हैं वो। बिल्मा की टीम में 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बैठन बदली। जब बिल्मा के दौड़ने की बारी आई उससे बैठन ही छूट गई, लेकिन बिल्मा रोडल्फ ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जूता हैं, तेजी से दौड़ चली है। बिल्मा ने गिरी हुई बेटन को उठाई और मशीन की तरह ऐसी तेजी तेज दौड़ी, इतनी तेजी से दौड़ी और बेहताशा दौड़ी, पूरे प्राण लगा करके उसने उस दौड़ को प्रारंभ किया, उस दौड़ को आगे बढ़ाया, उस रेस को आगे बढ़ाया और उसने आखिरी सांस में, आखिरी क्षणों में जूता को तीसरे बार भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल भी जीत लिया। और ये लड़की हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों ने सुना, देखा, लकवाग्रस्त एक महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका सिद्ध हुई। यह अपने आप में अद्भुत था। ऐसे लोगों से हमें सीखने का प्रयत्न करना। जो लोग कठिनाइयों को कभी कठिनाई समझते नहीं है, हौसला और मेहनत से हर कठिनाई को पार करने का जज्बा रखते हैं, इन लोगों से सीखना है कि जीवन में हार को जीत में कैसे बदला जा सकता है। इन लोगों से सीखना है नुकसान को फायदे में भी बदला जा सकता है। इन लोगों से हमने सीखना है रास्ते में पड़े हुए जो हमारे रास्ता रोक रहे पत्थरों को सीढ़ी बना करके आगे पार भी किया जा सकता है। ऐसे लोग दुख और उदास होने से, दुखी और उदास होने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हम नहीं दुखी होते, कैसी भी स्थिति हो दुखी नहीं होते, मायूसियों और नाकामा कामयाबियों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते। एक बार दो बार हारते हैं लेकिन हार को दिमाग में जाने नहीं देते, उस हार को भी जीत समझ करके आगे बढ़ते हैं कि करने वाला ही तो हारता, चलने वाला ही तो गिरता। आप लोग देखो, दुनिया को सर्वश्रेष्ठ संगीत देने वाला, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संगीत देने वालों में एक थे बीथोवन। बीथोवन का नाम जो संगीत जानते हैं, संगीत का प्रैक्टिस करते हैं, उनको पता रहता है। दुनिया को सर्वश्रेष्ठ संगीत देने वाले जो लोग हैं उसमें एक बड़ा आदर्श से नाम लिया जाता है बीथोवन का। उसके जीवन की कमी क्या थी, वो बहरे थे, सुन नहीं सकते थे, कानों से कुछ नहीं सुनता था, लेकिन वो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध संगीत देने वाले बन गए।
प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर सर्वश्रेष्ठ कविताएं लिखने वाले मिल्टन, जिन्होंने प्रकृति का वो वर्णन किया है, ऐसा जीता जागता वर्णन किया है। और उनके जीवन की कमी क्या थी, वो अंधे थे, मिल्टन अंधे थे, उनको दिखता नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति ने प्रकृति का जो वर्णन किया है, प्रकृति के जो गीत लिखे हैं, कविताएं लिखे हैं, वो अपने आप में बेजोड़ है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये लोग हैं ऊंचे चरित्र को धारण करने वाले लोग हैं। इन लोगों ने कभी भी अपने जीवन में निराश होना नहीं सीखा, प्रयत्न करना नहीं सीखा, हौसले को तोड़ने नहीं दिया, आगे बढ़ते चले गए। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, नाम तो सुना ही होगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति कहलाए, अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति थे और दुनिया के महानतम नेताओं में उनका नाम गिना जाता है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उनके अंदर भी कुछ कमी थी, अक्षमता थी, वे चल फिर नहीं सक पाते थे, चलना फिरना उनके बस का नहीं था, जिंदगी भर व्हीलचेयर में रहे और व्हीलचेयर में रह करके ही उन्होंने ये सारा काम किया, अमेरिका जैसे देश के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति रहे। कामयाबी प्रसिद्धि सिर्फ साधनों से नहीं, हौसले से, प्रयत्न से, मेहनत से और आगे बढ़ने से मिला करती। ऐसे आदर्श पुरुष दुनिया के अंदर रहे हैं, ऐसी घटनाएं दुनिया के अंदर बिखरी हुई हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सोचते हैं और अपने जीवन में किसी भी मोड़ पर कुछ ऐसी परेशानी आती है तो नहीं, आदर्शों को सामने रखते हैं तो हम भी उनसे मोटिवेट हो करके अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं, अपनी नाकामयाबी को दूर कर सकते हैं, अपने हार को जीत में बदल सकते हैं, मुसीबत के समय भी प्रसन्न रह सकते हैं। तो ऐसा हम अपने चरित्र का निर्माण कर सके, इसके लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करना है। अगर करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।